Welcoming back to my channel. Happy Kartik Purnima to everyone. आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा बने रहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये मंथ बहुत ही ऑस्पिशियस है हिंदू कैलेंडर में। बहुत जन इसे एक्चुअली फॉलो करते हैं रिचुअल के साथ। बहुत जन इसे इस मंथ में नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर जैसे कि आप जानते हैं कि ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पूरी एक महीना बिना नॉनवेज, बिना गार्लिक और ऑनियन के साथ रहना। तो इसीलिए हम लास्ट 5 days जो कि पंचुका कहते हैं उड़ीसा में, तो वो हम करते हैं। उस 5 days में हम कोई कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो जिस अगर आप मुझे जानते होंगे, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं उड़ीसा से हूँ। तो इसीलिए मैं आज उड़ीसा का एक ऑथेंटिक डिश लाई हूँ, जिसका नाम है हॉबिसा डालमा, जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये आपको मेरी गारंटी है, आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको बस राइस के साथ आपको खाना है। एंड इट्स वेरी इजी, द प्रिपरेशन टाइम इज वेरी लेस एंड द कुकिंग पीरियड इज लिटिल बिट मोर, बिकॉज आपको उसे बॉईल करके ही पकाना है, ना तो प्रेशर कुकर से बनाना है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये बहुत ही यमी डिश होता है। तो ये डिश मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप मुझे देख रहे हैं, डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर न्यू वीडियोज एंड मोर ब्लॉग्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स ली हूँ वो आपको बता दे रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आरबी, और ये रहा रॉ बनाना, ये स्वीट पोटैटो, एंड दिस इज पम्पकिन। बस इतना आप अगर वेजेस लेंगे तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। देन ये रहा स्पाइसेस, जो कि आपके घर में ज़रूर होगा। क्यूमिन सीड, ड्राई रेड चिली, 2 बे लीव्स, ग्रेटेड जिंजर और 2 ग्रीन चिली। उसके बाद ये रहा ग्रेटेड कोकोनट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ये रहा मूंग दाल, जो कि मैंने थोड़ा भिगा के रख दी है। सो ये रहा मूंग दाल। घी, एक प्लांट एप्पल होता है, उसका नाम हम उड़ीसा में बोलते हैं ओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सर्च की थी चाइनीज स्टोर, इंडियन शॉप पर, मुझे वो चीज़ नहीं मिला है। अगर आप कोई US में रहते हैं और अगर आप कहीं पे भी इसे आपको मिला हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसलिए आई एम यूजिंग दिस ड्राई मैंगो। ये आपके घर में अगर होगा तो यू कैन यूज़ इट, और यू कैन ऑल्सो If you are not having this, तो आपका और एक ऑप्शन है, आप लेमन यूज़ कर सकते हैं खट्टापन के लिए। पर एक्चुअली ये ऑथेंटिक डिश बस ओ से ही बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। तो पहले हम मूंग दाल इसमें डालेंगे। ये मूंग दाल से ही बनता है। उसके बाद चॉप किया वेजिटेबल्स उसमें पुट कर लेंगे। देन मैं पानी गर्म कर चुकी हूँ पहले से, सो आई एम गोइंग टू पुट द हॉट वाटर इनटू इट। उसके बाद जो स्पाइसेस है उसे ऐड करेंगे, जैसे ग्रीन चिल्ली, ग्रेटेड जिंजर, 1 बे लीफ एंड 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन सीड एंड सॉल्ट एज पर द टेस्ट, एंड ऑल्सो 1 चम्मच घी ऐड करेंगे तो अच्छा स्मेल आएगा। उसे कवर मत कीजिएगा, ऐसे ही बॉईल होने दीजिएगा। और इसमें आप ड्राई मैंगो डाल सकते हैं अगर आपके पास एलिफेंट एप्पल ना हो। देन ऐड सम ग्रेटेड कोकोनट इनटू इट।
जब आपको लगे कि 80% वेजेस कुक हो गया है देन यू कैन ऐड द ग्रेटेड कोकोनट। अब तड़का लगाते हैं, तो एक पैन में घी लीजिएगा 2 टेबलस्पून, उसके बाद 2 टेबलस्पून जीरा, क्यूमिन सीड, हींग, रेड ड्राई चिल्ली और 1 बे लीफ। लेट इट स्प्लटर्ड और उसके बाद आप ये डालमा के ऊपर डालिएगा और जल्दी से ही लीड कवर कर लीजिएगा ताकि उसका स्मेल ना जाए। देन आफ्टर 2 मिनट्स जस्ट सॉटे एवरीथिंग एंड लेट इट बी कुक फॉर मोर 2 to 3 मिनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी विथ मी। सो अब मैं चलती हूँ, आपके साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टेक केयर, बाय।